दीपोत्सव की तैयारी इस समय जोरों पर है। दीपोत्सव में दीप जलाने के लिए नगर निगम ने घर घर दीपक पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया। नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने सीताकुंड दलित बस्ती में जाकर घरों में दिया तेल और बाती बाटी। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय का कहना है कि नगर निगम 8000 घरों में दीपोत्सव के लिए दीपक बांटने का काम कर रहा है। घर घर दिया पहुंचे इसके लिए नगर निगम के पार्षद और नगर निगम द्वारा बनाए गए वॉलंटियर बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। 26 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 5.51 लाख दिए जलाए जाने का लक्ष्य रखा गया। अयोध्या में 26 अक्टूबर को दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। 15,51,000 दिए से अयोध्या को प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी लक्ष्य से एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या के जयसिंहपुर पूरा बाजार जैसे कई गांव में दीपक बनाने का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम अयोध्या इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए घर घर जाकर दिया तेल और बाती बांटने का कार्य कर रही है। नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय आज सीताकुंड दलित बस्ती में गए। उन्होंने 26 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाने के लिए दीपक बांटा। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय का कहना है कि 2 लाख दीयों को 8000 घरों में बांटा जाएगा। इसके लिए नगर निगम के साथ पार्षदों सहित वॉलंटियर ग्रुपों को लगाया गया है, जो घर घर जाकर दीपक तिल और बाती बांटने का कार्य कर रही है। नगर निगम का लक्ष्य है कि 26 अक्टूबर को एक साथ पूरी अयोध्या में दीपक जलाए। अयोध्या के घरों में सरकारी कार्यालय और घाटों पर दीपक जलाने का कार्य किया जाएगा, जिसमें पूरी अयोध्या दीपक के प्रकाश से प्रकाशित हो सके। नगर निगम द्वारा घर घर दीपक पहुंचाए जाने को लेकर लोगों में खुशी है। लोगों का कहना है कि इस बार पहली बार सरकारी तौर पर दीपों से मनाने के लिए दीपक दिए जा रहे हैं। कई ऐसे घर हैं जहां दीपक जलाने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। ऐसे में दीपोत्सव वाले दिन नगर निगम द्वारा दिए गए दीपक से अपने घर को प्रकाशित कर सकेंगे। नगर निगम का यह कार्य सराहनीय है। अभी तो ये ऋषिकेश उपाध्याय आए हैं, मतलब दिए हैं जलाने के लिए। दीपोत्सव में हम लोग इसको जलाएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार खुद घर घर दीपक दे रही है। हाँ, ये पहली बार हो रहा है। कैसा लग रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज ये है कि इस बार सरकार ने दीपोत्सव को जो है मेला के रूप में, राज्य मेला के रूप में इसको दर्जा दिया है, तो अब ये हर साल होगा, तो कितना विकास है, कितना अच्छा लगेगा। तुम अयोध्या के रहने के नाते तुम बताओगे? हम अयोध्या के रहने के नाते यही बताएंगे कि ये आपकी बार जो हो रहा है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और हमेशा ऐसे करते रहे। क्या नाम है? प्रिया। हमारे पास मेयर आए थे और दिया और तेल दे गए, बस और क्या देंगे। कब जलाएंगे इसको? शनिवार को, दीपोत्सव के दिन। हाँ जी, छोटी दिवाली को। इस बार सरकार पहली बार जो है ये जो दिए हैं घर तक पहुंचा रहे हैं, ये कितनी अच्छी मुहिम मानेंगे इसको आप? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब उसमें ऐसा आता है कि जैसे किसी के पास जलाने का पैसा भी नहीं है, अगर ये पहुंच गया है तो कम से कम उसके घर दिए तो जल जाएंगे। क्या नाम है आपका? रामकरण। अयोध्या के 8000 घरों तक पहुंचने की अपनी योजना है। सर्वप्रथम उस क्रम में हम लोग जो दलित बस्ती है उन बस्तियों में कल से ही शुभारंभ किए थे। कल नया घाट पे हुआ है, आज जयसिंहपुर में हम इन लोगों के बीच में हैं। इनको दिया वितरित किया जा रहा है, जो पुनः विश्व का कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। उसमें अयोध्या के सभी नर नारी, सभी पुरवासी जितने हैं उसमें सहभागी बने। इसी क्रम में हम लोग आज यहाँ जयसिंहपुर में इन भाइयों के बीच में आए हैं। नगर निगम पूरा जो पार्षद हैं वो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, किस तरीके का सहयोग, कितने वॉलंटियर आपने लगाया है? देखिए, हमारे जितने पार्षद हैं सब लोग इस काम में लगे हुए हैं और हर वार्ड की एक स्वच्छता प्रोत्साहन समिति है और वहाँ के संभ्रांत नागरिक सबके साथ बैठक हो चुकी है। सब लोग मिलजुल कर ऐसे अनेक जो पौराणिक स्थल हैं, कुंड हैं, उन पर भी दीपावली के दिन जो विश्व कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है उसमें सब लोग जितने भी पौराणिक स्थल है उसको जगमगाएंगे, ऐसी अपनी योजना है। लगभग कितने लाख दिए होंगे जो घर पहुंचाए जा रहे हैं? अभी तो हम लोगों ने 2 लाख दियों का लक्ष्य बनाया है कि जो घर घर पहुंचाएंगे।